केवल समय ही बताएगा कि उसने सही चुनाव किया है या नहीं। केवल समय ही बताएगा कि दवा ने काम किया है या नहीं। केवल समय ही बताएगा कि वो दोषी है या नहीं। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है केवल समय ही बताएगा। केवल समय ही बताएगा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओनली टाइम विल टेल। ओनली टाइम विल टेल। चलिए इसको यूज़ करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा ओनली टाइम विल टेल, इसके बाद वेदर, वेदर के बाद आपको यूज़ कर देनी है कंप्लीट सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। केवल समय ही बताएगा कि चीज़ें सुधरेंगी या नहीं। ओनली टाइम विल टेल वेदर द थिंग्स विल इम्प्रूव और नॉट। ओनली टाइम विल टेल वेदर द थिंग्स विल इम्प्रूव और नॉट। केवल समय ही बताएगा कि उसने सही चुनाव किया है या नहीं। ओनली टाइम विल टेल वेदर ही मेड द राइट चॉइस और नॉट। ओनली द टाइम विल टेल वेदर ही मेड द राइट चॉइस और नॉट। केवल समय ही बताएगा कि दवा ने काम किया है या नहीं। ओनली टाइम विल टेल वेदर द मेडिकेशन हैज वर्कड और नॉट। ओनली टाइम विल टेल वेदर द मेडिकेशन हैज वर्कड और नॉट। केवल समय ही बताएगा कि वो दोषी है या नहीं। ओनली टाइम विल टेल वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। ओनली टाइम विल टेल वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। केवल समय ही बताएगा कि वो सही है या नहीं। ओनली टाइम विल टेल वेदर ही इज राइट और नॉट। ओनली टाइम विल टेल वेदर ही इज राइट और नॉट।